इलस्ट्रेशन नंबर 19. Can we start together? Can we all start together? It's a big ask, big reply from everyone. It will be big help. Please bataiye jaldi se. Can we start? हाँ भैया. चलिए सबसे पहले क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन पढ़ रहे हैं. Following is the receipts and payments account. आपको मेरे साथ साथ सम करना है. Following is the receipts and payments accounts of Modern Club New Delhi. तो अपना क्लब का नाम क्या है? NPO का क्लब का नाम क्या है? जल्दी से बता दीजिए प्लीज. Modern Club New Delhi for the year ending 31st March 2019. Year ending 31st March 2019 है. तो हम लोग का साल कब से कब तक है ये बताओ. चलो चलो 1418 से लेके. हाँ आइए ना आइए क्लास के अंदर. 31 3 19. तो हम लोग का ईयर कब से कब तक हो गया है? 2018-19. ये हम लोगों का ईयर हो गया. यस नो बता दीजिए जल्दी से. यस. अब इस साल ने हम लोग को क्या बना के दिया? हम ये आप लोग से पूछ रहे हैं. बताओ जल्दी से. आरएमपी. इस आरएमपी से मेरे को क्या क्या बनाना है? अब ये इम्पोर्टेंट है. बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर एंड व्हाट प्लीज बताइए. बैलेंस शीट. और इस आरएमपी के नीचे हम लोगों को क्या लिख के दिया है? एडजस्टमेंट. क्या हम लोग पहले आर एन पी पढ़ता है क्या? हमको ये बता दो जल्दी से. क्या पहले हम लोग आर एन पी पढ़ेगा? नहीं. करेगा एडजस्टमेंट. तो हम लोग जो अभी जो पार्ट कर रहे हैं ना, दिस विल रिक्वायर एन एक्टिवनेस बाय योर एंड. आप सोच रहे हैं कि आराम आराम से हो जाएगा, वो नहीं होने वाला. दिस पार्ट रिक्वायर्स एन एक्टिवनेस फॉर द न्यू ईयर. ठीक है. तो अपना ईयर कब से कब तक है? 1418 से लेके 31 3 19. तो अपना ईयर कब से कब तक हो गया? 2018-19. क्लियर. गाइस डिसअपॉइंटमेंट होगा अगर रिप्लाई अभी भी नहीं आता इतना रिक्वेस्ट करने के बाद. क्लियर नॉट क्लियर ये पूछ रहा हूं आप लोग. क्लियर है भैया. अब हम लोग आरएनपी नहीं पढ़ेगा, हम लोग आरएनपी के नीचे एडजस्टमेंट पढ़ेगा. तो देखो पहला एडजस्टमेंट क्या चीज के ऊपर है जल्दी से बताओ हमको. जल्दी से सब्सक्रिप्शन. बोला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च 18. 31st मार्च 18 कौन सा डेट है? ओपनिंग डेट क्लोजिंग. ओपनिंग डेट होगा. बताओ जल्दी. ओपनिंग है. ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करते हैं? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस एंड 31st मार्च 2019 में 6000 रुपया. तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 4000 रुपया है. 6000 रुपया है. क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करते हैं? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लस. फिर बोला सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च 18 एंड 31st मार्च 19. तो ये ओपनिंग सैलरी जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी है इसको हम लोग क्या करते हैं? मेरे को ये माइनस. और ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या ये दोनों के लिए हम एक ही वर्किंग नोट बना सकते हैं? क्वेश्चन. वर्किंग नोट नंबर 1. अब मेरे साथ साथ बताओ हम लोग क्या लिखेगा अगर लास्ट क्लास याद है तो. पर्टिकुलर्स. क्या हमको सब्सक्रिप्शन का छतरी बनाने का जरूरत है या ये बताओ? नहीं. अब पर्टिकुलर में लिख रहे हम लोग आरएमपी. ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करने वाला है? माइनस. ओपनिंग एडवांस को हम लोग क्या करते हैं? प्लस. क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस क्लोजिंग एडवांस माइनस. क्या चीज का आंसर मिल जाता है ये बताओ जल्दी से प्लीज. जो भी एग्जाम में आज तक अकाउंट में 95 प्लस लाए, दे हैव द हैबिट ऑफ स्पीकिंग. दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग व्हाइल डूइंग द सम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट इन अ क्लासरूम. इनकम एंड एक्सपेंडिचर. क्या लिखा है हम लोग नेक्स्ट नीचे? इनकम एंड जल्दी से बता दीजिए. इनकम एंड एक्सपेंडिचर. आप लोग से पूछ रहे हैं आप हमको आंसर करो. आरएनपी के अंदर सब्सक्रिप्शन कितना आप बता दो. हम नहीं चिल्लाना चाहते हैं. और 56,400. सैलरी कितना है ये बता दो जल्दी से प्लीज हमको. 24,000. ओपनिंग आउटस्टैंडिंग तो सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना रुपया है?
4000 ये ओपनिंग है, ओपनिंग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, अगर आपका रिप्लाई आ सकता है तो प्लीज माइनस। कितना रुपया ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है? 4000 रुपया। क्या ओपनिंग एडवांस है क्या सब में? नहीं है। क्लोजिंग एंड आउटस्टैंडिंग कितना रुपया? 6000। आंसर नेट नेट में 58400। ठीक है, सब्सक्रिप्शन हो गया क्लियर यार, प्लीज थोड़ा सा एफर्ट डालो। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग वाला कितना रुपया है, कितना माइनस करेंगे हम लोग? 2000। क्या ओपनिंग एडवांस पता है क्या? घंटा नहीं पता है? नहीं। क्या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग पता है क्या? प्लीज रिप्लाई कर दो। यस 2500। आंसर कितना आ गया? 24000। 24000। दो चीजों का खत्म हो गया है किस्सा। क्या क्या चीज हम लोगों ने कर लिया यहाँ पे, जल्दी जल्दी से बता दो। तो हम लोगों ने अपना फर्स्ट पैराग्राफ खत्म कर लिया है। क्या बोला, ये समझ में आया नहीं आया, आंसर करना आपका ड्यूटी बनता है। पैराग्राफ खत्म कर लिया है, फर्स्ट पैराग्राफ खत्म हो गया है सब्सक्रिप्शन और सैलरी के लिए। कैन आई गो अहेड? I'm still waiting for your reply. Answer now. Next date क्या है? On 31st March 18. पहले ये बताना, 31st March 18 opening date है, closing opening date है? Opening date. और सारा adjustment इसके ऊपर है। The club had investment, furniture, sports equipment. ये क्या चीज का adjustments है? Assets. यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स, क्या क्या एसेट है? चलो चलो चलो, इन्वेस्टमेंट, ये तीनों हम लोगों का क्या है? एसेट। ठीक है, अब हम लोग तीनों का सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस। क्या आप लोग हमको तीनों का ओपनिंग बैलेंस जल्दी से बता दोगे क्या? जल्दी से, जल्दी से। 12000। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कुछ पूछता है तो 10000। एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का कितना है? ओपनिंग बैलेंस पता चल गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या प्लस करेंगे इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन तो परचेजेस। तो देखो, इन्वेस्टमेंट अगर परचेज किया है तो पैसा जाएगा, परचेज करने से पैसा जाता है। तो देखो, इन्वेस्टमेंट परचेज किया है क्या, क्या पेमेंट साइड में दिया हुआ है क्या? 30000 खरीदा। ठीक है, फर्नीचर खरीदा है क्या हम लोगों ने? देखो, पेमेंट साइड में क्या फर्नीचर खरीदा है क्या हमने, ये बताओ। फर्नीचर में मैंने क्या दे दिया? डैश। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा है क्या हमने, ये मेरा नेक्स्ट। डन, क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें से माइनस करेंगे सेल। अगर ये बेचेगा तो पैसा आएगा। देखो, रिसीप्ट में कुछ भी बेचा है क्या ये तीनों में से? नहीं। क्या लास्ट में क्या माइनस होता है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, बता दो जल्दी से। इन्वेस्टमेंट तो डेप्रिशिएट होता ही नहीं है। नहीं होता नहीं है। 20% है। 20% कितना हो गया डेप्रिसिएशन? 2000। इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन रेट 25% है। 25% किस पे लगाए? 20000 32 किस पे लगाए? ये मेरा 52 पे। 32 का डेट ऑफ परचेज बताया है क्या? ये नहीं, पूरा साल पे चुपचाप लगा दो। कितना रुपया आएगा? 13000। इससे हम लोगों को क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस 42000। यहाँ पे 8000। यहाँ पे 39। मेरा तो हो गया भाई, आपका हुआ है नहीं हुआ हमको नहीं पता। हो गया, हो गया, हो गया भैया। देखो, सम का सारा एडजस्टमेंट हो गया है, सम का सारा एडजस्टमेंट हो गया हमारे एंड से। ये सब बात है ध्यान देने का क्लास के अंदर। अब कितना ध्यान दे रहा है गाइस? अ कॉन्फिडेंस रिप्लाई, इज इट ओके फॉर एवरीवन? आई वोंट गेट टू नो अदरवाइज। अगर आप लोग कंफर्टेबल है तो एक बार आइए क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर। कौन सा नंबर में आने बोला है जल्दी से बता दो प्लीज, जल्दी से बता दो। क्वेश्चन 19।
कोई एक जन ग्रुप पे फोटो डाल दो, कुछ लोगों के पास अभी भी बुक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 का फोटो ग्रुप पे डाल दो प्लीज। हम एकदम एकदम हम चाहेगा कि इस बार आप लोग इसका रिप्लाई करने का ट्राई करेगा। क्या आप लोग रेडी है रिप्लाई करने का? आप लोग ट्राई करेगा मेरे लिए इस सम के अंदर एटलीस्ट? हां भैया। गाइस आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, जल्दी से बताइए। शुरू करें क्वेश्चन पढ़ना। फोटो वोटो आ गया होगा ग्रुप के अंदर मेरे हिसाब से? तो क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं पढ़ना। आई होप यू गाइस कैन हियर मी क्लियरली। आप लोगों को सुनाई दे रहा है क्लियरली हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है आइए अब लोग लेट्स कीप, लेट्स कीप आवर एनर्जी वेरी वेरी, हम ये एक ही सम कर लेंगे। लेट्स कीप आवर एनर्जी वेरी हाई। फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स ऑफ स्टार क्लब। तो एनपीओ का नाम क्या हम लोग का? एनपीओ का नाम क्या हम लोग का? स्टार क्लब। एनपीओ का नाम क्या? एनपीओ का नाम स्टार क्लब। फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019, तो ईयर कब से कब तक का है ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 31/3/19 हम लोग का ईयर क्या हो गया? हम लोगों का ईयर 2018-19 क्लियर? ठीक है आइए, क्या हम लोग आर एन पी पढ़ेंगे क्या अभी? आर एन पी पढ़ेंगे तेल लेने गया। अब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2018, आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2018 कौन सा वाला आउटस्टैंडिंग है? बैठाओ दिमाग। आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं अपन, जल्दी से आप बता दीजिए मेरे को इसी बात। एंड ऑन 31st March 2019 क्लोजिंग डेट का आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करते हैं? ये नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस। क्लियर नॉट क्लियर? आंसर नाउ जल्दी से। तो भाई एक वर्किंग नोट क्या चीज के लिए बनेगा, ये मेरा पहला क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। समझो पहले क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करो करना क्या है। क्या सब्सक्रिप्शन में छतरी का जरूरत है क्या? ये मेरा नहीं है। तो बोला रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। बिगनिंग में अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, क्या करना है? माइनस। क्या हो गया बोलो? ओपनिंग माइनस। एंड इन द एंड, एंड में दे दिया, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे? सबको पता है सब्सक्रिप्शन रेंट एक ही साथ कर ले गया यार, जल्दी से बता दो हमको तुम। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने बोला है, आगे बढ़ रहे हम सम के अंदर। इसके बाद इन्होंने सब में बोला है हमें सब में इन्होंने आगे बोला है, फर्नीचर वॉज परचेज्ड ऑन 1st July। फर्नीचर कब खरीदा इन्होंने डेट बता दिया। फर्स्ट जुलाई मतलब एक वर्किंग नोट फर्नीचर के लिए बनेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट है। कुछ और बोले या नहीं बोले तो भी आप बनाएगा। समझ में आया हम क्या बोला है सबको? बोला था 1st April 2018 द क्लब एट फर्नीचर। चलो अब तो बनाना भी पड़ता है इसे भी, पर जो भी पॉइंट एडजस्टमेंट में वो बनाएगा या फर्नीचर। ओपनिंग बैलेंस कितना रुपया दिया हुआ है? 8,000। बोला है इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, कितना वर्किंग नोट टोटल में बनेगा इस सम के अंदर? टोटल कितना वर्किंग नोट बनेगा? दो। ये पहला वाला क्या बनेगा? आप लोग को अभी तक ट्रिक नहीं आया ना समझ में, तो आप चोमू है। पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन रेंट। पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन रेंट। 40-40 क्वेश्चन कर चुका है, नहीं आ रहा है समझ में तो बोल दो भाई। नहीं पढ़ रहा है घर पे तो वो आपका गलती है, टीचर का कोई गलती नहीं है इस चीज में। क्या लिखेंगे सबसे पहले, चलिए बताइए। एफर्ट अब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, थोड़ा एनर्जी लाओ क्लास के अंदर। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे? माइनस प्लस ओपनिंग एडवांस प्लस ओपनिंग एडवांस प्लस क्या चीज का आंसर मिलेगा इस चीज से? अब बताओ सब्सक्रिप्शन का आर एन पी कितना है? फोकस लाओ क्लास के अंदर। और रेंट कितना है? चलो चलो चलो, अब बताओ क्या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है क्या? यस दिया हुआ है। क्या ओपनिंग एडवांस दिया हुआ है? घंटा नहीं दिया हुआ है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है? यस दिया हुआ है। 6,000 रुपया क्या? 6,000 प्लस
प्लस तो नेट नेट में 1500 रुपया प्लस करना है, कितना आएगा? 47,600। मेरा तो हो गया, आपको ये दिमाग खुद से चल गया था क्या? दूसरा समझा रहा है ऐसा? हाँ भैया। अब रेंट बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग को क्या कर दिया जाता है? माइनस। कितना? 1000। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है रेंट का? 1500। नेट नेट में क्या कर दिया जाए? 1500। रिपीट दें सर, ये क्लियर हो गया? क्या हुआ बता दीजिएगा। क्लियर ये हम लोग का हो गया, पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन रेंट, सब्सक्रिप्शन रेंट हो गया हम लोग का। एंड आई होप दैट एवरीवन इज सैटिस्फाइड विद दिस पार्ट। वर्किंग नोट नंबर 2, क्या चीज के लिए ये वर्किंग नोट बनेगा आपका? रिप्लाई पर्टिकुलर्स, क्या क्या चीज के लिए बनेगा? लाओ ना एनर्जी। इन्वेस्टमेंट फर्नीचर, ठीक है। हाँ। अब बोलो व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर? चलो बोलो ओपनिंग बैलेंस 8000। 8000। और इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस 15000। चोमू मत बनो। 15000। यस नो? हमको आगे का फॉर्मूला में हेल्प करेगा। हम लोग क्या प्लस करता है? तो बताओ क्या फर्नीचर हमने परचेज किया है? क्या जल्दी से बता दो। 6000। लेकिन ये परचेज कब किया? इसका डेट दिया है? इसका जुलाई 18। फर्स्ट जुलाई 2018। ठीक है, लिख लेता है, क्या काम आएगा बाद में देखेगा। अब देखो क्या इन्वेस्टमेंट परचेज किया है? क्या ये परचेज किया? 10000। फिर क्या माइनस करेंगे यहाँ पे? सेल। फर्नीचर सेल हुआ है? नहीं। क्या इन्वेस्टमेंट सेल हुआ है? नहीं। फिर क्या माइनस करेंगे हम लोग? डेप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन लगता है क्या, ये बता? नहीं। इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना रुपया आ गया? 25,000। हो गया झमेला। अब देखो फर्नीचर, फर्नीचर पे जो 8000 का है उस पे तो डेप्रिसिएशन पूरा साल का लगेगा। I hope everyone will agree on this. 800 रुपया। पर ये तो 6000 है, क्या इस बार इसमें पूरा साल का लगेगा क्या मेरा भाई? 9 महीना। कब खरीदा है इसको हम लोगों ने? फर्स्ट जुलाई। कितना महीना का लगेगा? 9 महीना। 450। 450। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 1,350। ये आप लोगों को दिखाने का जरूरत नहीं है एग्जाम में, तो हम खाली पहला सेमेस्टर के लिए समझा दिया। ये तो कॉमन सेंस है, 8000 पे पूरा साल का लगेगा और 6000 पे कितना महीना का लगेगा? 9 महीना का लगेगा। अब इसको माइनस कर दो इसमें से, कितना आ जाएगा ये बता दीजिएगा प्लीज। 1250 होगा। 1250 होगा। ओ सॉरी 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 1200। ठीक है क्या अब? ठीक है। और कोई एडजस्टमेंट बचा या सम खत्म? एडजस्टमेंट का पार्ट सम खत्म। एग्जाम में ऐसा ही एडजस्टमेंट आएगा। यस भाई ऐसा ही आएगा, पर आपको एडजस्टमेंट का ट्रिक्स पकड़ना पड़ेगा, कब क्या करना है कब क्या नहीं करना है। आई होप दिस इज क्लियर टू माय एंटायर बैच। तो एसेट का वर्किंग नोट कैसा बनता है? ये फिक्स है, बताओ कैसा बनता है? I hope सबको समझ में आई गई वैसे अभी चीज तो। तो 19 इलस्ट्रेशन वापस से करवा दिया गया, क्वेश्चन नंबर 19 वापस से करवा दिया गया, मतलब अभी करवाया है। क्या आपको ये क्लियर है क्या, ये बताना जल्दी। अब हमको ना कुछ एक पॉइंट बताना है ताकि नेक्स्ट सम जब पिकअप करेगा तो इजी होगा। ये पॉइंट ध्यान से सुनना। इफ समथिंग इज गिवन आउटस्टैंडिंग और एडवांस, क्या बोला? अगर कुछ बोला है समथिंग इज गिवन आउटस्टैंडिंग और क्या एडवांस, नॉट मेंशनड, और क्वेश्चन में मेंशनड नहीं है वेदर इट इज फॉर ओपनिंग और फॉर क्लोजिंग, तो ये मेंशन नहीं है,
if something is given outstanding or advance and it is not mentioned whether it is for opening or for closing dash we will assume it chalo bata do aap log ko answer pata hai closing hum log assume karenge kya cheez ke liye closing to agar exam mein likh ke deta hai मान लो रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ इज रुपीज 2000 क्या इन्होंने बताया अब ये कौन सा आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ कब का बात कर रहे हैं क्या इन लोग कुछ भी बताया है क्या हमको ये बताया नहीं। तो ये रेंट आउटस्टैंडिंग कब का आउटस्टैंडिंग मानेगा दिस इज क्लोजिंग और अगर ये क्लोजिंग है closing. तो हमें इसे आंख बंद करके क्या करना है सबको पता है प्लस कोई भी चीज अगर ड्यू है कोई भी चीज क्या है आंसर कर दीजिएगा जल्दी से प्लीज ड्यू है एंड मेंशन नहीं है ओपनिंग या क्लोजिंग बता दो कब का मानना है हमको ये क्वेश्चन क्लियर है सबको ओपनिंग क्लोजिंग सोचता था क्या कभी भी एक बात बताओ तो हमको जल्दी से नहीं ना फॉर द ईयर वाला आउटस्टैंडिंग है हम लोग हमेशा अगर कुछ बोला नहीं है इट इज ऑब्वियसली फॉर द ईयर जिस ईयर में आप है उसके लिए उस ईयर के लिए तो क्या डेटा होगा फिर वो क्लोजिंग ही होगा ओपनिंग कैसे हो सकता है ठीक है अभी हम बोल रहे हैं पढ़ाई कर लो हम कुछ नहीं बोलते ऑब्वियसली हम इसी साल पढ़ने बोल रहे थोड़ी तुमको बोल रहे हैं कि पिछले साल पढ़ लेता हम बोल रहे पढ़ लो मेरा भाई वो बोल रहे रेंट आउटस्टैंडिंग है बेचारा कुछ बोला नहीं ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं बोला है तो कब का मानना है सिंपल सरल भाषा में हम लोगों को क्लोजिंग का मानना है ये चल रहा है बताइएगा समझ आया नहीं एकदम सिंपल सरल भाषा में रखें हाँ भैया सब क्लियर है हाँ भैया 100% हाँ बहुत बढ़िया अपना होमवर्क लिखना प्लीज क्वेश्चन नंबर तो 1 to 19 हो गया है पूरा डिस्कशन हो चुका है 19 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट हम अपना सिखाएगा बनाना पर एडजस्टमेंट करना आ गया आपको अब एडजस्टमेंट करना आ गया आपको शायद मेरे हिसाब से होमवर्क लिखना क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 48 कोई एग्जाम ग्रुप पे इसका पीडीएफ बना के डाल देना या एक फोटो दो फोटो डाल देना जो भी आपको ठीक लगे पीडीएफ डालना बेटर होगा 44 45 46 47 48 ये इसका क्या है होमवर्क कोई एग्जाम पीडीएफ डालेगा तो पीडीएफ में काम करना क्वेश्चन नंबर 19 को इंक्लूड कर देना और ये सारा फिर इसके साथ डालना तो ये आपका होमवर्क में चला गया है ये एडिशनल क्वेश्चन है इस चैप्टर का ये क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन एंड फंड बेस्ड अकाउंटिंग ठीक है वही 15-20 मिनट का काम है आपके लिए तो ठीक है क्लियर है सबको हम क्या बोला है ठीक है 19 भी करने क्या फिर से नहीं 19 नहीं करना फिर से 19 हम खाली पीडीएफ में डालने बोला एक बार होमवर्क यही है आपका 44 45 46 47 48 ये आपका होमवर्क है बस जिनके पास बुक नहीं है सब बुक ले लो यार इट विल बेटर फॉर एवरीवन इन द एंड क्लियर है सबको हम क्या बोला हां भैया चलिए अगर क्लियर है तो मेरा भी क्लियर है तो यहाँ पे वी आर स्टॉपिंग हियर हम लोग कंटिन्यू करेगा सैटरडे को मोस्ट प्रोबब्ली आई विल बी डूइंग दो सम सैटरडे को फिर से दो सम का एडजस्टमेंट करेगा ठीक है धीरे धीरे सम्स का स्पीड बढ़ाएगा एडजस्टमेंट का पर बाकी वी आर डन विद 60-70% चैप्टर क्योंकि 10-12 छोटा सम्स है अभी भी इस चैप्टर के अंदर या 10 सम छोटा है तो ज्यादा सम बचा नहीं है प्रैक्टिस के लिए ठीक है क्लियर है सबको चलिए हाँ भैया चलो यहाँ पे स्टॉप करते हैं कंटिन्यू करेंगे ठीक है थैंक यू थैंक यू थैंक यू